हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर। यानी कि पानी बह रहा है हमारे किसी पाइप से जिसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है। जैसे कि ये पाइप है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है किसी दूसरे टैंक में जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दे रखा हो, डिवाइड बाय कर दो 2 ताकि उसकी रेडियस निकल के आ जाए। फिर आगे में बोला गया है, इन टू सिलेंड्रिकल टैंक बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर। जो पानी है वो इस तरीके के टैंक में जा रहा है जिसके बेस की रेडियस है 40 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल आर से दिखाया है। एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द राइज ऑफ लेवल वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। आधे घंटे तक इस पाइप में से कंटिन्यू पानी इसके अंदर आता रहता है, तो आधे घंटे में जो उसका पानी का लेवल बढ़ेगा, वो लेवल ही हमें फाइंड करना है, ये हमारा सवाल है। अब देखो, जो पानी बह रहा है तो हमारे जो पाइप है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। पानी बहने की रफ्तार कुछ इसमें इस तरीके से होगी। अब ये अगर देखा जाए तो ये इसकी लंबाई नज़र आ रही है, ठीक है, इसे बोलेंगे लेंथ ऑफ वाटर। अगर इसी पाइप को मैं इस तरीके से खड़ा कर दूँ तो इसे क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो चाहे लेंथ ऑफ वाटर बोलें चाहे हाइट बोलें, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्पीड मीटर में है, तो पूरा क्वेश्चन सेम यूनिट में होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, स्पीड ऑफ वाटर वो में दे रखी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब पानी बहने की रफ्तार ये है, तो इसमें लेंथ ऑफ वाटर निकल के आएगी एक तरीके से, लेंथ ऑफ वाटर। तो एक सेकेंड में कितनी सेंटीमीटर पानी की लेंथ बनती है, देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की। तो 0.4 बराबर होगा, मल्टीप्लाई किया 100 से, 2 जीरो है, तो डेसिमल दो नंबर इधर जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर पानी की लेंथ 40 सेंटीमीटर बनती है, तो हमें वो पानी बताना है जो आधे घंटे तक का पानी इसमें गया होगा। इसको आपको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये हमारे घर के ऊपर रखी गई टंकी है और ये वो पाइप है जो मोटर से कनेक्ट है। हम मोटर का स्विच ऑन करते हैं, पानी चलना शुरू होता है, कंटिन्यू पानी चलता रहता है 20 से 15 मिनट, आधा घंटा, जिससे हमारी टंकी हो जाती है फुल, ठीक है। तो हमने क्या किया, पानी का सारा आया तो इसी पाइप के थ्रू आया, ठीक है, और इस टंकी में आगे फिल हो गया। बट फर्क इस चीज़ का था कि जो पाइप में पानी आया वो करीबन 15 या 20 मिनट का पानी इसमें रहा होगा, वही 15-20 मिनट का पानी इसमें आया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वज़न क्या होगा, सेम होगा। यही काम इसमें भी हमें करना है, क्योंकि आधे घंटे तक का जो पानी इसमें पाइप में रहा होगा वही पानी तो इसमें आया होगा, तो आधे घंटे तक का पानी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों के वॉल्यूम को सेम कर देते हैं। तो यहाँ मैं लेंथ ऑफ वाटर निकालता हूँ आधे घंटे की, यानी आधे घंटे तक पूरे लंबे पाइप में लगा लेते हैं कि आधे घंटे तक का पानी की लेंथ क्या थी। लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट, ठीक। तो ये 1 सेकेंड का दे रखा है, हम इसको 30 मिनट का निकालते हैं। देखो, 1 मिनट में होते 60 सेकेंड, ठीक। तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 60 से, तो हमारे टोटल है 30 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। देखो, ये था सेकंड के अंदर जो टाइम चल रहा है, मेरा सेकंड में है, 30 मिनट का टाइम निकालना है, 30 की अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दे 60 से, ताकि मेरी वो लेंथ निकल के आ जाए जो सेकंड में होगी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंगली। अब देखो, 1 सेकंड में आता 40 सेंटीमीटर। अब 30 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1800 सेकंड कहेंगे, ठीक है। 1800 सेकंड में पानी की लेंथ क्या बनाएगा, 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो ये मेरा आ जाएगा 72,000 सेंटीमीटर इन 1800 सेकंड बोल लो, या 72,000 सेंटीमीटर 30 मिनट बोल लो, एक ही बात है। ये वो पानी की लेंथ आ गई जो इस पाइप के अंदर होगी, यही पानी इस पानी के इक्वल होगा। तो मैं दोनों की वॉल्यूम को इक्वल कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक। दोनों है क्या, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसकी रेडियस कितनी है 40, और हाइट हमें फाइंड करनी है। मैं मान लेता हूँ, लेट लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ आवर,
हाफ आवर में पानी का लेवल कितना हो गया, एच हो गया, तो इसे मैंने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच, पाई से पाई गया, रेडियस कितनी है 40, हाइट, हाइट तुम्हें फाइंड करनी है, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1, हाइट कितनी है 72,000, हाइट को ये रहने दो 72,000, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 720, 4 इंटू 4, 4 का डिवाइड दिया, 4 वन ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 180, 4 का डिवाइड दिया, 4 4 ज़ा 16, 2 4 5 ज़ा 20, यानी कि हाइट होगी इसकी 45 सेंटीमीटर। पानी का जो लेवल बढ़ा होगा वो 45 सेंटीमीटर ऊंचा ही बढ़ा होगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।